नूहू जिले के पिनंगवा थाने के गांव झिमरावट में फरदाबाद पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोप में पिनंगवा पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने व पुलिस पर जानलेवा हमला करने सहित आधा दर्जन से अधिक धाराओं के तहत 4 नामजद सहित 10 अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज कर लिया है। इसमें ऐसा था, थाना दौज की पुलिस हारून सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम आई थी 11-12 की रात को। एक पीओ था जिमरावट गांव का खालिद सनौ सिरदार, उसकी रेड के लिए फरीदाबाद पुलिस की टीम और हमारी थाना पिनंगवा की एक टीम जिमरावट गांव में दबिश के लिए गई थी। जब उसको गांव में खालिद को पकड़ लिया था तो उनके घरवालों ने और 5-4 अन्य ने आके उसको छुटवा लिया और पुलिस पर गोलियां चलाई। तो उसमें कितने के चोट लगी है और क्या नुकसान, कितने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? इस संबंध में हमने 4 बाई नेम और 8-10 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जो आरोपी हैं अभी घर से भागे हुए हैं, पकड़ने के प्रयास प्रयत्न किए जा रहे हैं। डीएसपी ने बताया धोज थाने के एसआई मोहम्मद हारून की शिकायत पर 4 नामजद सहित 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने और आरोपी को पुलिस की पकड़ से छुड़ाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि परवीन पत्नी उमरदीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अन्य ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का मानना यह है कि जल्दी ही बाकी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत टीवी टेक से रिजवान खान की रिपोर्ट। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी वे सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान, मलखान दवाखाना के।